नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टॉक मार्केट में। तो फिर बात करेंगे यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक की जिसके बारे में बोला था, जब मार्केट में सारे लोग बोल रहे थे गिरावट होगी, तब इस स्टॉक के बारे में बोला था मैंने कि धमाका होगा, और स्टॉक में वो चीज़ होती हुई देखने को मिली और स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया। अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी स्टॉक्स में है, और ये चीज़ मैंने एक्सपेक्टेड होते पहले ही बता दी थी जब तेज़ी आने से पहले। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें भी ये चीज बोली थी कि दोनों केमिकल स्टॉक रिलेटेड स्टॉक भागते हुए देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक चीज और बोला था, एक स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो पहले भी बनाया था और उसमें क्लियर कट बोला था कि ये स्टॉक अब यहाँ से धमाका होने वाला है। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे सारी चीजें देखने को आपको मिलेगी और अब यहाँ से क्या हो सकता है इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फ्रेंड, हम जिस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें उसका नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। आज के दिन देखें तो जबरदस्त स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और परसेंटेज वाइज देखें तो 9.12% चढ़ के स्टॉक क्लोज होता है 341.70 रुपए पे। अब जो सिचुएशन थी, जो हमने जो वीडियो बना के आपके साथ शेयर की थी चीज, तो वहां पे 310 का एक ऐसा लेवल था जिसको बोला 310 को लेवल को क्रॉस करके अगर सस्टेन कर गया स्टॉक तो स्टॉक में धमाकेदार तेजी आ सकती है। और वहां के बाद भी देखें तो स्टॉक में लगभग 8% की तेजी, और पिछले एक महीने में 13%, जबकि पिछले 5 दिन की बात करें 20% के रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिए हैं ऑलरेडी। तो आगे क्या सिचुएशन है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक गिर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है इस स्टॉक के रिगार्डिंग जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ से भाग रहा है। दूसरी चीज अगर देखें स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप जो इतने भी स्टॉक्स हैं सब में तेजी अभी बरकरार है। अभी जैसा मैंने बोला कोई भी सच अपडेट नहीं है, एक अपडेट है केवल जो इसके डिविडेंड के रिगार्डिंग है, तो 80 पैसे का डिविडेंड है जिसकी जो डेट है एक्स डेट की बात करें तो 8 तारीख है, तो उसके हिसाब से तो स्टॉक नहीं भाग रहा, ये क्लियर है। क्योंकि 80 पैसे का डिविडेंड और जो तेजी है दोनों में बहुत अंतर है। 80 पैसे के डिविडेंड के लिए स्टॉक कोई सिंपली नहीं खरीदता, और मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ बोनस स्प्लिट और डिविडेंड के लिए कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि स्टॉक के फंडामेंटल्स के लिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। आज के दिन अगर बीएससी पे देखें तो यहाँ पे 41% की डिलीवरी देखने को मिली। इस स्टॉक के अंदर शेयर कम है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है, इसलिए आपको जो काउंट है वो कम ही देखने को मिलेगा। तो 91,558 शेयर ट्रेड हुए जिसमें से 37,658 की डिलीवरी देखने को मिली। और सिमिलरली अगर देखेंगे एनएससी के ऊपर तो एनएससी के ऊपर भी सेम चीज देखने को आपको मिलेगी, 7,56,777 शेयर यहाँ बाई हुए हैं और डिलीवरी परसेंटेज 36.42 की देखने को मिल रही है। हिस्ट्रिकल डेटा में अगर जाके देखें सेम सिचुएशन को तो यहाँ पे कई सारी चीजें देखने को मिली, लगातार नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, जिसके बाद स्टॉक के अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला था तेजी आती है अगर वॉल्यूम के साथ तो वो सस्टेन रहती है और वो स्टॉक की अच्छी रहती है। तो जब लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट किया था कि स्टॉक इस रेंज में है और यहाँ से अगर जंप लेता है तो उसमें काफी ज्यादा तेजी हो सकती है, और वहां से स्टॉक में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब सवाल यह कि सर स्टॉक में हमारे पास जो बाइंग है ऊपर की है या बाइंग थोड़ी नीचे की है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन सिंपल सी समझा देता हूँ। मैंने आपको हर बार इस स्टॉक को बैक किया है और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है। पहली चीज आपको ये क्लियर रखनी चाहिए, अगर आपका व्यू 1 साल का 3 साल का या 5 साल का है तो स्टॉक को बिंदास होल्ड कर सकते हैं, यह आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। और केमिकल सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा अगर आपका व्यू कम का है, 1 साल तक का है, यानी कि 1 महीने से 1 साल तक का है, तब भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, मगर उस केस में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसके 360 रुपए का लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल है और वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। तो इस लेवल पर यानी कि यहां से लेके 360 रुपए का जो लेवल है वहां तक अगर स्टॉक नहीं गिरता है तो ये आपको 400 के लेवल बहुत जल्दी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा, और जितनी भी गिरावट अगर आई तो वो इस लेवल पर ही आती हुई देखने को मिल सकती है। तो उस केस में 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं, और जिनके पास स्टॉक है उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज्यादा बस बचा हुआ है और बहुत ज्यादा तेजी अभी भी इस स्टॉक के अंदर आपको आती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर पहले का चार्ट भी देखेंगे तो स्टॉक काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया था और इसके जो लेवल्स हैं काफी अच्छे इसने जनरेट किए थे, 409 रुपए के आसपास तक पहुंचा था स्टॉक, और सेम सिचुएशन यहां आ सकती है। मगर एक ही हर्डल है इस स्टॉक के लिए, या इनफैक्ट कहूँ दो हर्डल है, पहला 360 रुपए का और दूसरा है 395 रुपए का। तो ये दो पॉइंट है जिन पे स्टॉक की गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके पहले स्टॉक में ऐसा सचेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रिस्क आप लेना चाहें तो एंट्री ले सकते हैं 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। अब उनके लिए आंसर जो
सोचते हैं कि या फिर कहते हैं 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कैसे स्टॉक में क्या करें, तो उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। तो अगर फंडामेंटल देखने में केवल ये नहीं है कि आपके केवल नॉर्मल चीज देख लें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं फंडामेंटली जो थोड़ी सी अलग होती हैं, तो उनमें से एक आता है पेट्रोस्की स्कोर। तो 10 में से 9 है इसका पॉइंट, जो काफी जबरदस्त कह सकते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इस कैटेगरीज वाइज, यानी कि जो फंडामेंटल है सारी चीजें, मार्केट कैप बाकी सब चीजें मिला के स्टॉक काफी अच्छा है। मार्केट कैप है 3,788 करोड़ का, डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है 0.2, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, इसके साथ साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग भी काफी जबरदस्त है 65% की। बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक काफी ऑब्वियसली ऊपर है, और केमिकल सेक्टर के जितने भी स्टॉक उठा के देखेंगे उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक काफी ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। सेल्स वाइज देखें तो सेल्स वाइज उतना इंप्रूवमेंट अभी हाल फिलहाल के टाइम में देखने को नहीं मिला, पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, मगर स्टिल स्टॉक में दोबारा से जो प्राइस था पहले 4 क्वार्टर पहले जो प्राइस था उसके आसपास स्टॉक आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज की बात करें, रिजर्व कंपनी पे लगभग जो है 327 करोड़ के हैं और कर्जा लगभग ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंप्लीटली नहीं पर 7 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है। इसके अलावा जो मैं इसके लिए ऑलरेडी अपडेट बताया था, कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही है और कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, तो कैपेसिटी जब इंक्रीज करेगी कंपनी तो उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो मेरे को जहां तक पक्का यकीन है कि इसमें FII और DIS की हिस्सेदारी इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिलेगी, जो प्रेजेंट में 0.75 और 3.65 है FII और DIS के अंदर। प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.04 है, यानी कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाया है, और पब्लिक के पास देखेंगे तो 30.56% के स्टॉक इसके अंदर है। आज के दिन लार्ज नंबर ऑफ DIS भी देखने को मिली, स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, बुलिशनेस स्टॉक में है और एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ यहां पे देखने को मिला है, 3 लार्ज डी देखने को मिली, और अभी स्टॉक काफी ज्यादा बुलिश है क्योंकि अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। ऑल्दो जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे स्टॉक में गिरावट हो सकती है, गिरावट इन द सेंस प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलेगी जो कि एक हेल्दी साइन है, मगर उस केस में जहां पे भी आपको प्रॉफिट हो थोड़ा सा बुक कर सकते हो, जब स्टॉक डिप करता है तो दोबारा से बाय कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी स्टॉक के अंदर बाय करने के लिए, वो सिचुएशन ज्यादा बेटर रहती है। तो फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक के रिगार्डिंग थी, अदर स्टॉक्स के रिगार्डिंग भी आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है इस स्टॉक से रिगार्डिंग या अदर स्टॉक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने की। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।